हादसे में मरने वालों का जो आंकड़ा है बेहद दुखद वो और बढ़ा है। अब तक 60 लोगों की मौत की खबर सामने आई है। पहले ये आंकड़ा 35 से ज्यादा बताया जा रहा था कि मौत हुई है, लेकिन जैसे जैसे देखिए समय बीत रहा है अब गुजरात के मंत्री ब्रजेश मिर्जा का ये बयान सामने आया है कि अब तक 60 लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है। सौरभ, यानी ये देखिए आंकड़ा जो संभावनाएं दिख रही थी, आशंकाएं थी, वैसा ही कुछ हो रहा है। उम्मीद तो यही थी कि आंकड़ा ना बढ़े, लेकिन यहां मंत्री जितने हैं सबके अलग अलग बयान भी सामने आ रहे हैं। देखिए ताजा अपडेट अगर जो मैं आज तक के दर्शकों को दिखा दूं कि बीजेपी के स्पोक पर्सन है जुबिन असारा और उन्होंने एक वीडियो ट्वीट किया है। मैं अपने प्रोड्यूसर से कहूंगा कि इस वीडियो को जरूर चलाएं, मैंने जस्ट वो वीडियो भेजा है और उस वीडियो में ऐसा दावा जुबिन असारा कर रहे हैं कि जस्ट बिफोर कोलैप्स ऑफ मचाऊ हैंगिंग ब्रिज सम पीपल आर ट्राइंग टू डैमेज। ये बहुत बड़ा एलिगेशन बीजेपी के स्पोक पर्सन के द्वारा किया जा रहा है। नहीं, उन्होंने एक वीडियो भी जारी किया है, वो हम अपने दर्शकों को दिखाने जा रहे हैं। देखिए जो वीडियो में फिलहाल इस वक्त देख पा रहा हूँ, उस वीडियो में कई ज्यादा जो तादाद में जो लोग हैं उस ब्रिज पर मौजूद है, उन्होंने एक एरो करके लोगों तक इस वीडियो को भी दिखा गया है। मैं अपने कैमरा पर्सन साजिद आलम से कहूंगा कि वो इस वीडियो को फिलहाल अपने दर्शकों को बताए प्ले करके। देखिए ये वो वीडियो है, ये वीडियो मैं अपने कैमरा पर्सन साजिद आलम से कहूंगा कि वो वीडियो को दिखाए। जुबिन असारा जो बीजेपी के गुजरात के स्पोक पर्सन है वो ये वीडियो में जानकारी दे रहे हैं कि जस्ट बिफोर द कोलैप्स यानी कि ये जो ब्रिज है सस्पेंशन ब्रिज गिरने से ठीक पहले, उनका ऐसा दावा किया जा रहा है कि जो लोग हैं इस ब्रिज को डैमेज करने की कोशिश कर रहे थे, यानी कि सेबोटेज, यानी कि बीजेपी के एक तरफ से आरोप ऐसा लगाया जा रहा है कि क्या एक साजिश थी इस ब्रिज को गिराने की। ये बहुत बड़ी बात बीजेपी के जो स्पोक पर्सन है जुबिन असारा वो कर रहे हैं। ये ट्वीट और जो वीडियो है वो मैं अपने दर्शकों को आज तक पर दिखाना चाहूंगा। कैमरा पर्सन साजिद आलम से कहूंगा कि ये मैं इस वीडियो को एक बार फिर से प्ले करूंगा और कैमरा पर्सन साजिद से कहूंगा कि या एक बार फिर से इस वीडियो को दिखाए। देखिए अब मैं इस वीडियो को फिर से प्ले कर रहा हूं और इस वीडियो को दर्शकों तक पहुंचाना बहुत जरूरी है क्योंकि अगर बीजेपी के ऑफिशियल स्पोक पर्सन इस नहीं लेकिन एक बात बताइए ना जरा, यहाँ पे नीचे अगर आप देखिए तो यहाँ पानी तो नजर नहीं आ रहा है सौरभ, और अगर बीजेपी की तरफ से ये आधिकारिक तौर पर आया है सामने तो सवाल उठता है क्योंकि नीचे तो यहाँ पानी ही नहीं है जिस ब्रिज की बात ये कर रहे हैं, जिसको कह रहे हैं कि तोड़ने मतलब नुकसान पहुंचाने की कोशिश, बीजेपी कह रही है कि इसको नुकसान पहुंचाने की कोशिश हो रही थी। क्या ये कुछ दिन पहले की है? अगर पहले की है तब तक तो ये पुल खुला भी नहीं था, लेकिन पानी तो होना ही चाहिए एनीवेज। नहीं, ये जो हमें जानकारी मिल रही है कि इनका ये आरोप है, जुबिन असारा का ये आरोप है कि इनका ये कहना है कि जस्ट बिफोर कोलैप्स मचाऊ हैंगिंग ब्रिज सम पीपल आर ट्राइंग टू डैमेज, यानी कि उनका ये कहना है कि ये जो घटना 6:30 बजे हुई है उसके ठीक पहले ज्यादा तादाद में लोग वहां पर मौजूद थे और किस तरीके से वो ब्रिज को डैमेज करने की कोशिश कर रहे थे। देखिए पानी तो है नहीं, को ये जो तो ये ब्रिज और वो ब्रिज मुझे अलग लग रहा है, ये वीडियो दिखा रहा हूं। नहीं, देखिए ये ब्रिज वही है, ये ब्रिज वही है पूरा का पूरा। जो 30 सेकंड का ये जो पूरा वीडियो है वो हम आज तक पे अपने दर्शकों को दिखाना चाहेंगे। कैमरा पर्सन साजिद से कहूंगा कि ये वीडियो और जो ट्वीट है उसे पूरी तरीके से ठीक से इस वीडियो को दिखाए, इस पूरे वीडियो को हमें आज तक पे दिखाना बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि अगर हम इस तरीके से कह रहे हैं कि ऑफिशियल्स की यहाँ पर कहीं ना कहीं लापरवाही है, 5 दिन के ओपनिंग के बाद ही 5 दिन के भीतर ही अगर जो ये पूरा का पूरा ब्रिज गिरता है तो बीजेपी के तरफ से ये आरोप क्यों लगाया जा रहा है कि इसमें कहीं ना कहीं लोग इस ब्रिज को गिराने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए ये बड़ा आरोप है, ये बड़ा आरोप बीजेपी की तरफ से किया जा रहा है। वो जूम इन करके एक एरो भी वहां पर दिखा रहे हैं और उनका ऐसा कहना है कि लोग इस और दूसरी चीज तो जो मुझे लग रही है, एक तो ये पानी देखिए नीचे है नहीं तो ये विजुअल कहीं और के लग रहे हैं, नहीं है। हाँ, दूसरी बात, एक अगर ये लोग जिनको डैमेज करने की बात कर रहे हैं वो पैर से उसको मारते नजर आ रहे हैं, आपने 2 करोड़ रुपए इसको सुधारने के लिए, इसको जांचने परखने के लिए खर्च किया है, किसी के पैर से मारने भर से ये पुल क्या गिर जाएगा क्या? ठीक है, जरा आप रहिए सौरभ, आप साथ रहिए, गोपी के पास भी कुछ ताजा अपडेट है। गोपी,
अर्पिता देखिए, जो वीडियो की सौरभ बात कर रहे हैं वो वीडियो पुराना वीडियो है। दरअसल ये जो झूलता ब्रिज है, यहाँ पे लोग जाते हैं और कुछ इसी तरीके से पैरों से ब्रिज को हिलाते हैं ताकि जो थ्रिलिंग होती है वो थ्रिलिंग लोगों को आ पाए। ये कहीं क्योंकि मैं खुद इस ब्रिज पे गई हुई हूँ, मैंने इस ब्रिज को देखा हुआ है। वहां पे लोग कुछ इसी तरीके से ब्रिज को हिलाते हैं ताकि फीलिंग आए कि थ्रिलिंग आए कि हाँ ब्रिज हिल रहा है। तो जो केबल ब्रिज है जो आज गिरा है, ये फाइल वीडियो हम कह सकते हैं कि ये पुराना वीडियो हो सकता है। हालांकि हम इसका क्लेम नहीं कर रहे हैं जो वीडियो सौरभ अभी बात कर रहे हैं, लेकिन सवाल यहाँ पे ये खड़ा हो रहा है कि 2 करोड़ रुपए का यहाँ पे रिनोवेशन का काम हुआ और 5 दिन भी नहीं हुए और ब्रिज जो है वो पूरी तरीके से, केबल ब्रिज जो है वो टूट गया।